आखिरकार आपने ये जमीन खरीदी ली। धन्यवाद अरविंद, धन्यवाद। अब आगे का अरविंद, मेरा हमेशा से यही सपना था कि मैं गरीबों के लिए एक अस्पताल का निर्माण करूं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक बहुत अच्छे ठेकेदार साहब को जानता हूँ जो आपका सपना साकार करने में आपकी सहायता करेंगे। चलो तो फिर आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा दूंगा। ठीक है। नमस्कार गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये हैं शर्मा जी। शर्मा जी, ये हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी, शर्मा जी को एक अस्पताल बनवाना है। ठेकेदार साहब, हमें एक अस्पताल बनवाना है। ठेकेदार साहब, आप आज से ही काम शुरू करवा दीजिए, क्योंकि ये काम 8 महीने के अंदर ही पूरा हो जाना चाहिए। आप कैसे भी करिए, पर ये काम समय पे पूरा हो जाना चाहिए। जरूर जरूर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ठीक है फिर। अच्छा तो ये ठीक है, आज सारा सामान आ जाएगा और आज से ही सारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आओ इधर आओ सब। किशन, तुम वहां से सुधारी शुरू करो। रामू बैठो, नहीं काम करो। जी साहब। कमला, तुम वो छान दो और तुम देख किसको रही हो, जाकर उसकी मदद करो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रामू, हीट लेकर आओ। जी साहब। कमला, जब तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो तुम काम करने क्यों आती हो? साहब, हमारी तो मजबूरी है, बिटिया की पढ़ाई के खातिर हम काम कर रहे हैं ताकि वह अच्छे नंबरों से पढ़े। स्टॉप कर सके, स्टॉप। उसकी पढ़ाई के खातिर हम काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक ठीक, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, अब काम करो तुम। ठेकेदार साहब, काम कहाँ तक पहुँचा? नमस्कार शर्मा जी, हाँ हम साइट पर हैं, शाम को मिलते हैं। ठीक है फिर। हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, अपना काम कोई रोकेगा नहीं। चलो चलो, ठेकेदार साहब चले गए, बैठो तो सही बेटा। अरे रामू, क्या कर रहे थे, तनिक बैठ तो सही। यहाँ काम करने आवत है, आराम नहीं। हम भी काम कर रहे थे, आवत है। और कमला, तुम क्या कर रही हो, थोड़ा बहुत आराम तो करो। नहीं, हमें काम करने दो, हमें बहुत रुपया कमाना है। चलो चलो, ठेकेदार साहब आ गए, सब काम करो। अरे ये क्या, हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए, तुमने तो सारा काम ही रोक दिया। अरे नहीं साहब, बस थोड़ा सा ही बचा है, एक दिन में पूरा हो जाएगा। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार आप सभी लोगों को इस योगदान के लिए। हम आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं, आपने इतना अच्छा और पूरे समय में इतना अच्छा और इतना बढ़िया अस्पताल बनाकर दिया है। ठेकेदार साहब, हमने सुना है कि आपके श्रमिकों में से एक श्रमिक की बेटी हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, लेकिन थोड़ी पैसों की बाधा आ रही है उसकी शिक्षा में। ठेकेदार साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें, जितने भी पैसे की जरूरत होगी उसकी शिक्षा के लिए वह हम प्रदान कराएंगे। ठीक है। Thank you.
तो देखा आप सभी ने कि कैसे एक श्रमिक अपना कोल पसीना एक करके हमारे लिए मेहनत करता है और हमारे सपने पूरे करता है। थैंक यू। Wow, what a fantastic performance!